पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर महिला मोर्चा अध्यक्ष डॉक्टर विजयलक्ष्मी पंडित के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में शिल्पकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विनोद अग्रवाल महापौर मुरादाबाद और मुख्य वक्ता प्रिया अग्रवाल प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा रही। अति विशिष्ट अतिथि अल्पना नितेश गुप्ता मौजूद रही। कार्यक्रम का सुंदर संचालन डॉक्टर शशि चौहान प्रदेश कार्य समिति सदस्य के द्वारा किया गया। सुंदर राष्ट्रीय गीत की प्रस्तुति मदालसर शर्मा के द्वारा की गई। आयोजन में शहर की शिल्पकार 101 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महानगर की समस्त पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष समस्त महानगर की कार्यकारिणी सहित भारी संख्या में सदस्याएं उपस्थित रही। शिल्पकार हमारे देश की पहचान है, इस पहचान को प्रोत्साहित करने के लिए महिला मोर्चा पिछले 3 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को करता आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 4 अगस्त से राष्ट्रीय हथकरघा प्रोत्साहन सप्ताह के रूप में इसे 10 मंडलों में शिल्पकार सदस्यों को सम्मानित कर उनके मनोबल को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। अंतिम दिवस में बड़े स्तर पर हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया गया। आयोजन में महिला मोर्चा की समस्त सदस्य उपस्थित रहे। शशि ठाकुर, फरहान अंसारी, शबाना खान मंडल अध्यक्ष चंद्रावती, शालिनी अग्रवाल, वनिता मल्होत्रा, अनु अग्रवाल, आरती शर्मा, राजेश रानी, सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। आज महिला मोर्चे की ओर से जो आर्टिजन्स हैं, आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं, जो अपने घरों पे सिलाई कढ़ाई बुनाई झंडे बनाने काम अन्य कार्य कर रही हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन मलिन बस्तियों में और पिछड़े एरियों से 60 महिलाओं को चिन्हित करके और कुछ पुरुषों को चिन्हित करके आज उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया और उन्हें एक प्रतीक चिन्ह के रूप से भेंट कर ये आज़ादी के अमृत काल में जो 77वां इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसके उपलक्ष्य में आज ये आयोजन किया गया और जिसके अंदर सभी महिला मोर्चे की हमारी बहनों ने सहभागिता कर इस कार्यक्रम को आज सफल बनाया। आज हमारे यहाँ हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने शिल्पकार सम्मान समारोह आयोजित किया। महिला मोर्चा पिछले 4 साल से लगातार इस कार्यक्रम को कर रहा है, जिसमें हम प्रत्येक मंडल से जो हमारे मुरादाबाद महानगर के अंदर 10 मंडल आते हैं उनसे चुन चुन के शिल्पकारों को लाते हैं, बहनों को, और यहाँ हम उनका एक सम्मान समारोह रखते हैं। क्या उद्देश्य रहता है इसके पीछे? उस उद्देश्य रहता है कि जैसे हथकरघा से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारे एक जस स्वदेशी शिल्पकार प्रोडक्ट है, जिसे बढ़ावा देने के लिए शुरू से ही जिस सब में से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लगातार इसके लिए हम लोगों ने प्रोत्साहन किया है, लगातार हमने प्रोटेक्ट किया है कि हमें स्वदेशी अपनाना है, विदेशी चीज़ों को नहीं अपनाना है। तो स्वदेशी की यदि हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारी आम जीवन में यूज होती हैं या जो वस्त्र कॉमनली हम लोग पहनते हैं वो हमारे हस्तशिल्प में उसका सबसे सशक्त और जीता जागता उदाहरण मिलता है, जिसे हम आज़ादी के समय से ही यूज करते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आज के मतलब वो कहना चाहिए फैशन की दुनिया में हमारा हथकरघा उद्योग कहीं ना कहीं खोता सा नज़र आ रहा है, तो हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए एक सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी इसको मनाती है और हथकरघा भाई बहनों को शिल्पकारों को प्रोत्साहन के लिए हम लोग पूरे हफ्ते प्रोग्राम चलाते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।